हेलो फ्रेंड्स, मैं हरेंद्र प्रताप सिंह आप सभी लोगों का अपने इस एजुकेशनल चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स आज हम लोग इस वीडियो में एक नए पैसेज ट्रांसलेशन को स्टडी करेंगे। फ्रेंड्स यह पैसेज ट्रांसलेशन मेरा 41 है, इससे पहले 40 पैसेज ट्रांसलेशन की वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। यदि आप उनको देखते हैं तो आपका ट्रांसलेशन पावर काफी इम्प्रूव हो सकता है और एग्जाम में अच्छे मार्क्स पा सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स हम लोग बिना समय गवाए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर ये पैसेज है, जनवरी का महीना था से लेकर के यहाँ तक है। तो फ्रेंड्स आइए हम लोग क्रमशः एक एक सेंटेंस को देखते हैं, उससे संबंधित रूल को समझते हैं। देखिए लिखा है कि जनवरी का महीना था, अब चूंकि इसमें सब्जेक्ट नहीं है तो वहां पर जो है इट का प्रयोग करेंगे। समय दर्शाने के लिए इट का प्रयोग होता है, दिन समय था महीने के लिए इट का प्रयोग होता है। इट वॉज द मंथ ऑफ जनवरी, कह रहा है यह जनवरी का महीना था, जनवरी का महीना था या जनवरी का महीना था। मैं अभी 5 साल का भी नहीं हुआ था। यहाँ है कि आई वॉज नॉट 5 इवन, भीक यहाँ भी के लिए इवन का प्रयोग है। आई वॉज नॉट 5 इवन, मैं 5 का भी नहीं था, यहाँ पूरा नहीं लिखा है, 5 साल 5 ईयर्स ओल्ड नहीं लिखा है, तो केवल इतने से ही उसका अर्थ स्पष्ट हो जा रहा है। आई वॉज नॉट 5 इवन, मैं 5 साल का भी नहीं था, केवल 5 से ही पता चल जा रहा है 5 ईयर्स ओल्ड। कह रहा है कि ऐसे समय मुझे अकस्मात मालूम हुआ कि मैं स्कूल में भर्ती होने वाला हूँ। कह रहा है कि ऐसे समय मुझे अकस्मात मालूम हुआ कि मैं स्कूल में भर्ती होने वाला हूँ। देखिए अब ऐसे समय को यहाँ पर व्यक्त किया इस तरह लिखकर, जस्ट देन तभी, ठीक है लिखा है तभी, और ऊपर क्या लिखा है ऐसे समय, तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि एट दैट टाइम, उस समय ऐसे भी लिख सकते हैं। मुझे अकस्मात मालूम हुआ कि मैं स्कूल में भर्ती होने वाला हूँ। देखिए सडनली अकस्मात, आई केम टू नो, मुझे मालूम हुआ, कम टू नो का मतलब होता है ज्ञात होना, कम टू नो का मतलब ज्ञात होना या मालूम होना, तो मुझे ज्ञात हुआ पास इंडिफिनिट में, इसलिए यहां पर कम का केम हो गया है। आई केम टू नो, मुझे ज्ञात हुआ दैट की आई वॉज, मुझे ज्ञात हुआ कि मैं स्कूल में भर्ती होने वाला हूं, मुझे ज्ञात हुआ कि आई केम टू नो, मुझे ज्ञात हुआ कि आई वॉज अबाउट टू बी इनरोल्ड इन स्कूल, मैं स्कूल में भर्ती होने वाला हूं, इनरोल्ड मतलब भर्ती होना। यह जानकर मेरी खुशी का अंत नहीं रहा। देखिए यह जानकर, नोविंग दिस, यह जानकर, नोविंग दिस, अब यहां ये नोविंग क्या है, यह पार्टिसिपल है क्रिया के फर्स्ट पार्ट में आईएनजी लगाने से बनता है और उसका हिंदी में अर्थ कर करके हुआ आता है, ऐसे है ना कि नोविंग दिस, यह जानकर। नेक्स्ट है कि यह जानकर मेरी खुशी का अंत नहीं रहा। देखिए नोविंग दिस, यह जानकर, देयर वाज नो लिमिट, कोई सीमा नहीं रही टू माई जॉय, करे मेरी खुशी की। अब यहां पर लिखा है कि मेरी खुशी का अंत नहीं रहा, ऐसे को थोड़ा सा भावार्थ चेंज के बनाया है कि नोइंग दिस, यह जानकर के, देयर वाज नो लिमिट, कोई सीमा नहीं रही टू माई जॉय, मेरी खुशी का। नेक्स्ट है कि अपने आंखों के सामने प्रतिदिन अपने भाइयों और बहनों को सुरुचिपूर्ण कपड़े पहनकर स्कूल जाते हुए मैंने देखा था। अपनी आंखों के सामने प्रतिदिन अपने भाइयों और बहनों को सुरुचिपूर्ण कपड़े पहनकर स्कूल जाते हुए मैंने देखा था। अब आइए इसको देखें कैसे बनाया गया है। ये कह रहा है कि यहां पर आई हैड सीन, मैंने देखा था माई वेल ड्रेस्ड ब्रदर्स एंड सिस्टर, कह रहा है कि मेरे वेल ड्रेस्ड सुरुचिपूर्ण कपड़े पहने हुए ब्रदर्स एंड सिस्टर, बहनों को और भाइयों को, गोइंग टू स्कूल डेली, प्रतिदिन स्कूल जाते हुए, कह रहा है मैंने सुरुचिपूर्ण कपड़े पहने हुए अपने भाइयों और बहनों को स्कूल जाते हुए देखा था। अब यहां पर देखिए यहां गोइंग लगा है, ये गोइंग क्या है, गोइंग टू स्कूल जाते हुए, प्रतिदिन स्कूल जाते हुए गोइंग क्या है, यहां पर ये पार्टिसिपल है क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है, इसका हिंदी में अर्थ कर करके हुए आता है, यहां पर है ना गोइंग टू स्कूल, स्कूल जाते हुए, तो ये पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। परिवार में सबसे छोटा होने के कारण मैं ही अकेला घर में रह जाता था, तो परिवार में सबसे छोटा होने के कारण मैं ही अकेला घर में रह जाता था। यहां पे इसको किस तरह किया गया है, कह रहा है कि आई वॉज द ओनली वन, मैं अकेला व्यक्ति था टू बी लेफ्ट, जो बच जाता था या छूट जाता था, लिव मैंने छोड़ना होता है तो लिव का लेफ्ट है, कह रहा है कि आई वॉज द ओनली वन, मैं केवल अकेला व्यक्ति था टू बी लेफ्ट, जो छूट जाता था या जो बच जाता था या जो रह जाता था एट होम, घर पर, बींग द यंगेस्ट इन फैमिली, परिवार में सबसे छोटा होने के कारण, कह रहा है कि बींग मतलब होना, बींग द यंगेस्ट इन द फैमिली, परिवार में सबसे छोटा होने के कारण, सबसे छोटा यंग, ये यंग का जो है सुपरलेटिव डिग्री, यंग यंगर यंगेस्ट होता है, यंग पॉजिटिव है, यंगर कंपेटिव है, यंगेस्ट सुपरलेटिव है, तो यहां पर यंगेस्ट लगा है,
क्योंकि यहां लिखा है सबसे छोटा। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहां पर बींग क्या है, इसमें कराया है कि आई वॉज द ओनली वन, मैं एक अकेला व्यक्ति टू बी लेफ्ट, जो बच जाता था घर पर, या मैं घर पर अकेला व्यक्ति था जो बच जाता था या रह जाता था। बींग द यंगेस्ट इन द फैमिली, परिवार में सबसे छोटा होने के कारण। अब यहाँ बींग क्या है, ये बींग भी यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल है, बी में आईएनजी लेकर के ये बना हुआ है। इसके बाद है इससे मेरा मन चिड़चिड़ा उठता, कह रहा है इससे मेरा मन चिड़चिड़ा उठता। अब देखिए इसको कैसे बनाया गया है, यहां पर है कह रहा है कि आई गॉट इरिटेटेड, कह रहा है अब यहां पर चिड़चिड़ा उठता। अब यहां पर ये पास्ट इन्फिनिट में है, इसलिए यहां पर गॉट उसको मेन वर्ब है जो दर्शा रहा है, और इरिटेटेड चिड़चिड़ा उठ, अब चिड़चिड़ा ये जो है पास्ट पार्टिसिपल है, कह रहा है कि इसमें यहां कह रहा है कि आई गॉट इरिटेटेड, मैं चिड़चिड़ा उठता विद दिस, इससे थोड़ा सा चेंज करके बनाया है, ध्यान सुनिएगा, इससे मेरा मन चिड़चिड़ा उठता। और ये कैसे, और यह किस तरह बनाया है, कह रहा है कि आई गॉट इरिटेटेड विद दिस, मैं इससे चिड़चिड़ा उठता। थोड़ा सा बनाते समय भावार्थ को चेंज करके बनाया जाता है। नेक्स्ट है स्कूल, इसलिए स्कूल जाने के विचार से ही मैं नाच उठा, इसलिए स्कूल जाने के विचार से ही मैं नाच उठा। देखो किससे बनाया है, इसलिए सो, इसलिए स्कूल जाने के विचार से मैं नाच उठा, सो विद द आइडिया ऑफ गोइंग टू स्कूल, कि इसलिए स्कूल जाने के विचार से ही आई स्टार्टेड टू डांस, मैंने नाचना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, फिर सुन, सो इसलिए विद द आइडिया गोइंग टू स्कूल, स्कूल जाने के विचार से या स्कूल जाने के आइडिया से मैंने आई स्टार्टेड टू डांस, मैं नाचना प्रारंभ कर दिया। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, टू डांस लगा है, यहाँ पर क्रिया स्टार्टेड भी है और टू डांस भी है, तो स्टार्टेड जो फाइनाइट वर्ब है और ये टू डांस जो इनफाइनाइट में इनफाइनाइट वर्ब है, इसमें इन्फिनिटिव है, सॉरी स्टार्टेड जो है फाइनाइट वर्ब है और टू डांस जो है नॉन फाइनाइट वर्ब है, नॉन फाइनाइट वर्ब में इन्फिनिटिव है। इन्फिनिटिव जो है क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में पहले टू लगने से बनता है, जिसका हिंदी में अर्थ नान या ने आता है। नेक्स्ट क्या है, अपने से बड़ों के समान आखिर मुझे भी स्कूल जाने को मिलेगा और छुट्टियों के सिवाय मुझे घर में बंद नहीं रहना पड़ेगा, कह रहा है कि अपने से बड़ों के समान आखिर मुझे भी स्कूल जाने को मिलेगा और छुट्टियों के सिवाय मुझे घर पर बंद रहना नहीं पड़ेगा। अब देखिए इसको कैसे बनाया है, इसमें देखिए इसमें है कि आई शैल ऑल्सो गेट द चांस, मुझे भी चांस अवसर मिलेगा टू गो टू स्कूल, स्कूल जाने का, लाइक माई एल्डर्स, अपने बड़ों की तरह, एल्डर्स मीन्स बड़े, एंड आई शैल नॉट हैव टू बी क्लोज्ड, कह रहे हैं और आई शैल नॉट हैव टू बी क्लोज्ड, और मुझे बंद रहना नहीं पड़ेगा इन माई हाउस, मेरे घर में, एक्सेप्ट हॉलीडेज, सिवाय छुट्टियों की, एक्सेप्ट मतलब सिवाय, फिर मैं बता रहा हूँ, कह रहा है कि आई शैल ऑल्सो गेट द चांस, मुझे भी अवसर मिलेगा टू गो टू स्कूल, स्कूल जाने का, लाइक माई एल्डर्स, अपने बड़ों की भांति, एंड आई शैल नॉट हैव टू बी क्लोज, और मुझे बंद रहना नहीं पड़ेगा इन माई हाउस, मेरे घर में, एक्सेप्ट हॉलीडे, सिवाय छुट्टियों की, एक्सेप्ट मतलब होता है सिवाय। अब एक चीज यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर यहाँ देखिए यहाँ हैव टू लगा है और क्लोज्ड है क्लोज्ड है, तो ये पैसिव वाइस में कह रहा है कि आई शैल नॉट हैव टू बी क्लोज, मुझे बंद नहीं रहना पड़ेगा। अब हैज टू हैव टू कहाँ लगता है, जहां पर बाध्यता प्रकट होती है वहां पर हैज टू हैव टू का प्रयोग होता है, जैसे मुझे वहां पर जाना है या मुझे वहां पर जाना पड़ता है, आई हैव टू गो देयर, या मुझे वहां जाना है, आई हैव टू गो देयर, दोनों सेम ही रहेगा, मुझे यह काम करना पड़ता है, आई हैव टू डू दिस वर्क, तो हैज, तो जहां पर बाध्यता प्रकट होती है प्रेजेंट टेंस में जो है हैज टू हैव टू लगता है, पास्ट टेंस में हैड टू का प्रयोग होता है, और फ्यूचर में रहेगा तो विल हैव टू और शैल हैव टू, इसलिए यहां पर देखिए शैल हैव टू लगा है और यहां पर शैल हैव टू बी है क्लोज क्रिया थर्ड पर, मतलब ये पैसिव वाइज। तो फ्रेंड्स ये रहा एक पैसिव ट्रांसलेशन, मैंने आपको अच्छी तरह समझाने की कोशिश की है और आशा करता हूँ कि आपको समझ में भी आया होगा, एक दो बार देख लेंगे आप तो अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा, और जितने भी प्रीवियस वीडियो साल पैसिव ट्रांसलेशन मैंने अपलोड किए हैं आप उनको देख लीजिएगा, तो आपके ट्रांसफर प्रॉब्लम में काफी इंप्रूवमेंट होगा। तो फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, यदि अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा, थैंक यू।